नमस्कार दोस्तों, महारानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। हमने महाराणा कुंभा का जो सामान्य जीवन है और उनकी जो विजय थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम उनकी जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला के अंदर उनका कितना योगदान है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभाजी ने जो मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग है, उस 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो भी महाराणा कुंभा है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक जो मार्ग बनाया है, सर्पिलाकार मार्ग, वो भी महाराणा कुंभा ने बनाया है। और एक बैराट का दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर बनाया है और एक भूमट दुर्ग है वो उदयपुर के अंदर बनाया है। यानी कि स्थापत्य कला इनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने एक जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, यानी कि मेवाड़ की जो हम शरण स्थली कह सकते हैं, मेवाड़ के जो शासक हैं इनकी संकटकालीन राजधानी कह सकते हैं, तो जो संकटकालीन राजधानी है जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, राजसमंद जिले के अंदर है। इस राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम, दुर्ग का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर निर्माण करवाया था। एक है अचलगढ़ दुर्ग जो माउंट आबू पर है सिरोही के अंदर, उसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया। अचलगढ़ दुर्ग और बसंतीगढ़ दुर्ग, ये दोनों दुर्ग नारसिंह डोडिया को भेजा था विजय अभियान के दौरान सिरोही पर आक्रमण करके सहसमल को हरा करके इन्होंने अधिकार कर लिया। और उस समय इन्होंने विजय को उपलक्ष में सिरोही में दो दुर्ग बनाए, एक तो बसंतीगढ़ और इसी का नाम है बसंतगढ़, और दूसरा है अचलगढ़। अचलगढ़ है वो दुर्ग है वो आबू जी के ऊपर है, माउंट आबू के ऊपर है और सिरोही के अंदर बना हुआ है। एक इन्होंने विजय स्तंभ बनाया है, तो विजय स्तंभ बनाया है वो चित्तौड़ के अंदर बनाया है। तो देखिएगा कि इनका मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया है, चित्तौड़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता है जिसके अंदर सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण कराया है, बैराट दुर्ग जन भीलवाड़ा के अंदर और भोमट दुर्ग उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद के अंदर है अपनी पत्नी के नाम पर, और बसंती या बसंतगढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग ये दोनों सिरोही जिले के अंदर है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है, ये महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला है इसके बारे में। तो देखिएगा कि अब जो हम पढ़ेंगे विजय स्तंभ के निर्माण के बारे में, तो बहुत लंबी कहानी है विजय स्तंभ की, तो पहले देखिएगा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम विजय स्तंभ के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण है चित्तौड़ में, कहा हुआ है चित्तौड़ में, विजय स्तंभ कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ। ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो इसकी ये ये 9 मंजिला है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि ये 9 मंजिला है। यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है, विजय स्तंभ प्रशस्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 मंजिला है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 120 फीट है, 120 फीट ऊंचाई, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 24 फीट है। चौड़ाई यानी चौड़ा 24 फीट है, 120 फीट है वो ऊंचा है, यानी कि ऊंचाई 120 फीट है, 24 फीट चौड़ा है। इसका निर्माण करवाया है और इसके अंदर जो वास्तुकार थे, हम कह सकते हैं कि वास्तुकार इसका जो निर्माण किया है, जैसे नापा, पोमा, इसके जो वास्तुकार थे नापा, पोमा, पूंजा, जेता, पूंजा, जेता, इन्होंने इसका निर्माण किया था, नापा, पोमा, पूंजा, जेता, ये जो विजय स्तंभ है इसके वास्तुकार है। और इसका निर्माण 1440 से 1448 के
मध्य हुआ था, यानी कि इसका निर्माण हुआ वो 1440 से 1448 के मध्य, 8 वर्ष में इसका निर्माण हुआ है, 8 वर्ष में निर्मित। और इसके जो निर्माता है वो निर्माता है महाराणा कुंभा, हम लिख सकते हैं निर्माता, निर्माता महाराणा कुंभा, इनके निर्माता महाराणा कुंभा है। और वास्तुकार है नापा पोमा पुंजा जैता, 1440 से 1448 के मध्य ये बनाया गया। और इसी का ही नाम है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ, इसी के दूसरे नाम है, जैसे हम लिख सकते हैं इसी को ही कहते हैं विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ, या इसी का ही नाम है विष्णु स्तंभ, विष्णु स्तंभ, यानी कि कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, और या इसी का ही नाम है विजय स्तंभ, सॉरी कीर्ति। हाँ, और जो ये है इसके अंदर इतनी मूर्तियां लगी हुई है तो कह सकते हैं कि ये मूर्तियों का विश्वकोश, इसे मूर्तियों का भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कह सकते हैं, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कह सकते हैं। हिंदू मूर्तियां लगी हुई अंदर बहुत सारी, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ये हम इस विजय स्तंभ को कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। और तीसरी मंजिल, इस तीसरी मंजिल पर 9 बार, यानी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ये हमें जो मिलता है ये इस तीसरी मंजिल पर मिलता है। और जो ये इमारत है वो 9 मंजिला इमारत है, ये तो हमने पहले ही बता दिया है, लिख सकते हैं 9 मंजिला इमारत, ये इमारत है वो 9 मंजिला है। और इसके अंदर विशेष ये है कि 120 फीट ऊंचाई है और 24 फीट चौड़ाई है। और भारत सरकार द्वारा 1949 में डाक टिकट जारी करवाया गया था इस इमारत पर, यानी कब, 1949 में या 49 में, तो लिख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा 1949 या 49, 1949 में इस पर डाक टिकट जारी किया। और ये राजस्थान की प्रथम इमारत है, डाक टिकट जारी करने की जो राजस्थान की प्रथम इमारत है, ये भी लिख सकते हैं राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया, राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 1949 में डाक टिकट जारी किया, और राज्य की प्रथम इमारत है। और जो ये है विजय स्तंभ, इसके अंदर 9वीं मंजिल है, इस पर बिजली गिर गई थी तो इसका पुनः निर्माण है, वो पुनः निर्माण करवाया है महाराणा स्वरूप सिंह ने, तो हम लिख सकते हैं कि 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी। नौवीं मंजिल पर
बिजली गिर गई। नौवीं मंजिल पर जब बिजली गिर गई तो इसका जो पुनः निर्माण है वो पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। और महाराणा स्वरूप सिंह ने महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण पुनः निर्माण करवाया था जो सन 1857 में 1857 में इसका पुनः निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। अब देखिएगा कि जो नौवीं मंजिल है इस पर बिजली गिरी थी 1857 में, गिरने से इसकी जो पुनः टूट गई है तो इसका पुनः निर्माण है वो महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया है। किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया है। और जो ये है ये जो इसके लिए यहाँ एक लगी हुई है प्रशस्ति, ये जो प्रशस्ति लगी हुई है इस प्रशस्ति को ही कहते हैं विजय स्तंभ प्रशस्ति, विजय या फिर विष्णु या फिर कीर्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके जो लेखक हैं अत्रि भट्ट है, इसके लेखक हैं वो अत्रि भट्ट है। लेकिन जो पूर्ण करवाया है, जो इसको पूरा किया, पूर्ण कार्य किया है वो महेश भट्ट ने किया है। किसने किया है? महेश भट्ट ने। क्योंकि अत्रि मुनि की 20वीं मृत्यु हो गई थी, उसके पुत्र महेश भट्ट ने इस प्रशस्ति को पूरा किया है। और इस प्रशस्ति का नाम है विजय स्तंभ प्रशस्ति या विष्णु स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसका पूर्ण निर्माण है वो जो पूर्ण लिखी है वो महेश भट्ट ने लिखी है। और ये लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लिख सकते हैं हम संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसके अंदर इतना ही महत्वपूर्ण है और तो इसके अंदर कोई है नहीं। तो देखिएगा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात देखिएगा कि इसका निर्माण करवाया गया है वो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया है, उपलक्ष्य में, यानी जो इसका निर्माण है वो सारंगपुर विजय उपलक्ष्य में निर्माण करवाया गया है। किसका? विजय स्तंभ का। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिएगा इनके काल में एक मंत्री थे इनके जिनका नाम था धरनक शाह। धरनक शाह मंत्री के शिल्पी थे। देपाक देपाक ने रणकपुर जैन या फिर चौमू का मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्हीं के काल में इन्होंने कुशाल माता का, यानी खुशाल माता या कुशाल माता का निर्माण है वो भी करवाया बदनोर भीलवाड़ा के अंदर। तो देखिएगा इनके काल में इनके मंत्री जिनका नाम है धरनक शाह के शिल्पी देवपाक ने रणकपुर जैन मंदिर है रणकपुर या सौमुखा, जो रणकपुर जैन मंदिर है, ये देखो प्रसिद्ध मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर या सौमुखा मंदिर, चौमुखा मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो निर्माण करवाया है ये शिल्पी देपाक ने करवाया है जो धरनक शाह के शिल्पी थे। और ये जो धरनक शाह है ये मंत्री थे महाराणा कुंभा के। और इन्हीं के काल में एक जो इन्होंने मंदिर बनाया है जो कुशाल माता का, इसी का ही नाम कुशाल या खुशाल माता, बदनोर भीलवाड़ा के अंदर कुशाल माता का मंदिर कहाँ बनाया है? बदनोर
बदनोर भीलवाड़ा में। ये जो मंदिर बनाया है ये महाराणा कुंभा ने बनाया है, बदनोर भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने मंदिर बनाया है। और इनके जो प्रसिद्ध शिल्पी है, इनके प्रसिद्ध शिल्पी, जैसे हम कह सकते हैं कि इनके प्रसिद्ध शिल्पी जैसे मंडन, इनके प्रसिद्ध शिल्पी है जिसके अंदर मंडन, सोमदेव, सोमसूरी, इनके जो प्रसिद्ध शिल्पी है जिनका नाम है मंडन, सोमदेव, सोमसूरी, ये इनके समय में इनके प्रसिद्ध शिल्पी थे, यानी कि इनके प्रसिद्ध शिल्पी थे, वास्तुकार थे। और एक जो इन्होंने एक टीका लिखी है, यानी कि कान्हा व्यास ने कुंभा के दरबार में रह करके एक लिंग महात्म्य की रचना की। किसने? कान्हा व्यास ने। तो लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं कान्हा व्यास ने इनके दरबार में रहकर एक लिंग महात्म्य की रचना की। कान्हा व्यास ने, कान्हा व्यास ने इनके दरबार में रह करके एक लिंग महात्म्य की रचना की। एक लिंग महात्म्य इसकी रचना की थी वो कान्हा व्यास ने की थी इनके कुंभा जी के दरबार में रह करके। और जो कान्हा व्यास है वो जो कहते हैं कि कान्हा व्यास ने एक दूसरे भाग की रचना स्वयं कुंभा ने की है, एक भाग है यही जो रचना की है। जैसे हम लिख सकते हैं कि जैसे ये बुक है, तो एक भाग की तो रचना की है वो कान्हा व्यास ने की है, और दूसरे भाग की जो रचना है वो दूसरे भाग की हम लिख सकते हैं, वो दूसरे भाग की जो रचना की है वो महाराणा कुंभा ने की है। कुंभा ने दूसरे भाग की रचना की, यानी एक भाग को तो कान्हा व्यास ने लिखा है और दूसरे भाग को महाराणा कुंभा ने लिखा है, ऐसा बताते हैं, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। और कुंभा जी ने दो टीकाएं लिखी है, जयदेव की जो गीत गोविंद है उस पर रसिक प्रिया की टीका, और एक लिखी चंडी शतक पर टीका, यानी एक तो जयदेव के कुंभा जी की दो टीका है लिख सकते हैं हम। कुंभा जी की दो टीका है, इसमें एक है, देखिएगा, एक है जो जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया की टीका, रसिक प्रिया की टीका ये लिखी है जयदेव की गीत गोविंद पर। और जो दूसरी टीका इन्होंने लिखी है वो दूसरी टीका चंडी शतक की टीका, चंडी शतक की टीका, ये दोनों टीकाएं लिखी है वो दोनों टीकाएं लिखी है महाराणा कुंभा ने, चंडी शतक की टीका, चंडी शतक की टीका, चंडी शतक की टीका, चंडी शतक की टीका। टीका ये होती है कि जो मान लो किसी के लिखी हुई है, गीत गोविंद एक लिखा हुआ है ग्रंथ है और उसमें से शॉर्ट कट लिखा है, जैसे हम लिखते हैं निबंध और निबंध के अंदर से हम जो अपने को जो अच्छे लगते हैं कम शब्दों के अंदर लिखते हैं उसी को दोबारा लिखना कम शब्दों में, यही होती है टीका। तो ये कुंभा जी ने दो टीकाएं लिखी है। और कुंभा जी ने काम शास्त्र और काम रतिराज नामक ग्रंथ भी लिखा है, कुंभा जी ने एक तो काम शास्त्र और एक काम रतिराज ग्रंथ भी लिखे हैं कुंभा जी ने, लिख सकते हैं कुंभा जी के ग्रंथ। एक है जिसका नाम है कामराज, कुंभा जी के दो ग्रंथ है, एक का नाम कामराज रतिसार और एक का नाम है जो कुंभा जी ने जो एक तो काम शास्त्र और दूसरा है कामराज रतिसार। एक है काम शास्त्र
एक है कामराज, रतिचार, ये इनके दो ग्रंथ हैं, कुंभाजी के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और इनका योगदान है संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम संगीत शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा इनके संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ, संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ, इन्होंने संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ लिखे हैं, तो इनका जो एक ग्रंथ है संगीत मीमांसा, एक इनका ग्रंथ है संगीत राज, एक इनका ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, और एक इनका ग्रंथ है जो है संग सूड प्रबंध। संगीत राज, पहले हम पढ़ते हैं संगीत राज के बारे में। संगीत राज, ये संगीत राज 5 भागों में विभाजित है, कितने भागों में? 5 भागों में, इनके भाग हम पढ़ेंगे अलग अलग। दूसरा है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा जो इनके दूसरा ग्रंथ है संगीत मीमांसा। तीसरा है संगीत रत्नाकर, तीसरा ग्रंथ है इसका संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, और चौथा इनका ग्रंथ है सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, ये इनके 4 प्रसिद्ध ग्रंथ है, और जो संगीत राज है इनका प्रमुख ग्रंथ है, और ये 5 भागों में विभाजित है, पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रसन कोश और रस रत्न कोश। तो लिख सकते हैं इनके 5 भाग है, 5 भाग है। पहला है वो पाठ्य रत्न कोश, इनका जो पहला भाग है पाठ्य रत्न कोश, पीछे रत्न कोश ही है लेकिन जो नाम है, पहला पाठ्य, दूसरा नृत्य, तीसरा गीत, दूसरा नृत्य, तीसरा गीत, चौथा इनका है वाद्य, जो जो बाजा होते हैं उसके संबंध में, और पांचवा इनका है रस। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है, जो 5 भागों में पाठ्य, पहले पढ़ना, फिर नृत्य करना, फिर गीत को गाना, फिर जो बाजा बजता है बाजे को बजाना, और फिर उसका रस लेना यानी आनंद लेना। ये इनके 5 भागों में विभाजित है, जो संगीत राज ग्रंथ है इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किनका? महाराणा कुंभा जी का। ये इनके 4 ग्रंथ है, 4 ग्रंथों में जो संगीत राज है ये 5 भागों में विभाजित है। अब इनके एक प्रसिद्ध शिल्पी है मंडन, मंडन के द्वारा लिखित उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा मंडन, मंडन ने क्या लिखा है, मंडन के द्वारा, मंडन इनका जो प्रसिद्ध शिल्पी है मंडन, और मंडन द्वारा रचित ग्रंथ है, मंडन द्वारा रचित ग्रंथ, मंडन ने अपने शिल्प से संबंधित इन्होंने लिखा है, जैसे राजवल्ल, रूप मंडन, कोदंड मंडन, और इनका एक राज राजवल, इनका जो प्रसिद्ध है वो राज से संबंधित था राजवल, और दूसरा इनका है जो रूप मंडन। जो ये मंडन है, मंडन ने राज मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन एक लिखा है इन्होंने, कोदंड, और एक इन्होंने लिखा है वेद्य, वेद्य मंडन। ये जो राजवल्लभ, रूप मंडन, और ये इनका है ये कोदंड मंडन, एक है इनका वेद्य मंडन, एक है इनका शगुन प्रसाद, शगुन मंडन प्रसाद मंडन, ये तो इनके इतने तो है, पीछे जिनके नाम लेता है मंडन मंडन और वल्लभ। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, इनके दो है, एक वास्तुसार, एक तो इनका है वास्तुसार, एक है वास्तु मंडन,
एक तो इनका है वास्तु सार, और एक इनका है वास्तु मंडल। ये इनके ग्रंथ है इतने, वास्तु सार और वास्तु मंडल। जो राजवल्लभ है, राजवल्लभ के अंदर तो शिल्प शास्त्र पर आधारित है, यानी ये शिल्प पर आधारित है, लिख सकते हैं हम, ये शिल्प पर आधारित लिखा हुआ है। जो ये रूपमंडल है, ये रूपमंडल मूर्ति कला पर आधारित है, लिख सकते हैं मूर्ति कला पर। जो ये कोदंड मंडल है, ये धनुष या विद्या पर आधारित है, धनुष या फिर हम लिख सकते हैं धनुष विद्या पर आधारित है। जो ये वेद्य मंडल है, ये जो वेद मंडल है, ये आयुर्वेद के आधार पर, नाम से ही पता चलता है ये आयुर्वेद, आयुर्वेद। जो ये सगुण मंडल है, ये है ज्योतिष के आधार पर, ये किस पर आधारित है, ज्योतिष पर। प्रासाद यानी भवन या महल, लिख सकते हैं भवन या राजमहल, राजमहल। वास्तु सार और वास्तु मंडल, ये जो वास्तु शास्त्र के आधार पर आधारित है, वास्तु शास्त्र के आधारित है। जैसे घर का निर्माण करते हैं तो उसमें किस किस दिशा में क्या बनाना है, तो वास्तु शास्त्र के आधार पर, तो वास्तु शास्त्र और वास्तु मंडल बने हुए। ये है जो इनके प्रसिद्ध शिल्पी है, मंडन द्वारा रचित। और कुंभा जी वीणा वादक थे, और जो कुंभा जी की जो उस समय एक रमाबाई है, वो विदुषी महिला थी, यानी कि इनकी पुत्री। तो लिख सकते हैं कि कुंभा जी संगीत के प्रेमी थे, तो ये वीणा वादक थे अच्छे, कुंभा जी वीणा वादक थे। और इनके टाइम में रमाबाई प्रसिद्ध विदुषी महिला थी। विद्वान होते हैं वो पुरुष होते हैं, महिलाएं विदुषी होती है, तो ये प्रसिद्ध विदुषी महिला थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो कुंभा जी के हमने सैनिक विजय पढ़ी, जो इनके सैनिक अभियान थे उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया, सामान्य अध्ययन किया, और हमने वास्तु शास्त्र है, हमने इनकी शिल्प कला है, या हम कह सकते हैं हमके इनकी जो इनके बारे में जो वास्तविक अध्ययन है, वो कुंभा जी का जो इस मेवाड़ की धरती पर बहुत बड़ा योगदान है, तो स्थापत्य कला इनकी जो रही है बहुत ही सराहनीय रही है, उसके बारे में अध्ययन किया। अब इनका अंतिम समय कैसे बीता है? देखते हैं अंतिम समय, कुंभा जी का अंतिम समय। अंतिम समय ये हुआ था कि अंतिम समय इनको उन्माद नामक एक रोग हो गया, और उन्माद रोग एक रोग होता है जिससे बैकी बैकी बातें करना, यानी कि यूं ही बातें करना, और जिसे हम हा पॉइंट भी कहते हैं, तो वो जो उन्माद नामक रोग हो गया। और कुंभा जी को मामा देव कुंड के पास में बांध करके रखते थे, मामा देव कुंड बना हुआ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम उदा, दूसरे का नाम था रायमल। उदा क्या करता है, एक बार अपने पिता की हत्या कर देता है, इसलिए उदा को इतिहास के अंदर पितृहत्या कहते हैं, और इनकी हत्या होती है वो 1468 में होती है। अब मेवाड़ का शासक है वो उदा बनता है, 1468 से 1471 तक मेवाड़ का शासक है वो उदा रहता है, लेकिन इतिहास के पन्नों के अंदर उसका नाम है वो पितृहत्या के रूप में है। और बिजली गिर गई थी इसके ऊपर 1471 में, और बिजली गिरने से है वो उदा की मृत्यु हो गई। अब जो शासक बनेगा वो महाराणा रायमल बनेगा। तो देखिएगा कि इनको कौन सा रोग हो गया अंतिम समय में, तो हम लिख सकते हैं अंतिम समय में कुंभा जी को उन्माद नामक रोग हो गया। उन्माद रोग ऐसा होता है बैकी बैकी बातें करना, और उन्माद रोग हो गया तो इसको मामा देव कुंड पर बांध के रखते थे। कहां पर? मामा देव कुंड पर, कुंड में बांध के रखते थे, बांध के रखते थे मामा देव कुंड। और जो ये मामा देव कुंड है, ये कुंभलगढ़ में है। कहाँ है? कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ में है। और इनके दो पुत्र थे, एक इनके दो पुत्र लिख सकते हैं, महाराणा कुंभा के दो पुत्र थे, एक का नाम था रायमल,
दूसरे का नाम था उदा। उदा क्या करता है? उदा एक बार महाराणा कुंभा की वहां जाता है मामादेव कुंड के पास, महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है, महाराणा कुंभा की तलवार से हत्या कर देता है, शीश काट देता है, हत्या कर देता है। इसलिए ये उदा है पितृहंता कहलाता है। क्या कहलाता है? पितृहंता, पितृहंता। और ये जो इनकी जो हत्या करता है, वो हत्या करता है ये 1471 में, ये 71 तक शासक रहता है और 1468 में हत्या करता है। यानी कि 14 लिख सकते हैं कि जो हत्या करता है ये 1468 में करता है। तो ये शासक रहता है 1468 से 1471 तक। 71 में क्या होता है? बिजली गिर जाने से मृत्यु, बिजली गिर जाने से मृत्यु होती है, वो उदा की मृत्यु हो जाती है। और जब अब आगे शासक बनता है वो राइमल शासक बनता है 1471 से। 1471 से जो शासक बनता है वो महाराणा राइमल जी बनते हैं। और इनके इतिहास के अंदर इनको पितरंता के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए इतिहास के अंदर पितरंता कौन है, महाराणा उदा। और इन्हीं मामादेव कुंड के पास ही इनकी क्या बनी हुई है? सत्री बनी हुई है, मामादेव के कुंड के पास ही। लिख सकते हैं मामादेव कुंड के पास कुंभा जी की सत्री है, कुंभा जी की सत्री बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हमने महाराणा कुंभा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम महाराणा राइमल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। पास में लगे बेल आइकन को दबाएं और महाराणी क्लासेस के प्रति अपना प्रेम बना करके रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।